देखिए, ये आपका जो प्रपोजल है ना, एक्सेप्ट कर तभी कर पाएंगे जब आपकी जो थर्ड पार्टी है 110% रिमूव हो जाएगी, तब ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। वन साइडेड चीज़ें अब चल रही हैं, अगर आप उनका पर पूरा ब्लेम थोप रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, या आप वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं, अटक रही है कोई चीज़ें, डिले होता जा रहा है मामला, क्योंकि मुझे दिख रहा है एफर्ट डाल नहीं रहा कोई एक शख्स। तो अगर आपका मामला ऐसा है कि दोनों में से कोई एक एफर्ट नहीं डाल रहा, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के अगर वो नहीं कर रहे तो आपने आप करवाइए, अगर आपने आप कर रहे हैं तो उनसे करवाइए, आप थ्रू अस करवाइए, हमारे थ्रू करवाइए, पढ़ाई के थ्रू करवाइए, या वर्बली अगर आप थक गए हैं तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बट वो चीज़ें पेड होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव है। जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आप दोनों, कोई भी आप लोग ये देख रहे हैं, आप दोनों के झगड़े से सिर्फ थर्ड पार्टी को देख रहे, फायदा उसको है। ठीक है, मैं बस ये देखना चाहती हूँ, आप प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि ये जो रीडिंग है एंड की तरफ जा रही है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो झगड़ा है ये वार्निंग की तरफ जाएगा या गुड न्यूज़ की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स से वेट कर रहे हैं, क्या इन्हें वेट ही करना चाहिए या इन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए? तो प्लीज़, क्या कहते हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओह, हवा आ रही है। ओके, 7 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है मुझे। कलेक्टिव अगर मैं देखूँ, रीडिंग है क्योंकि, ये कुछ लोगों से एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे, एक्चुअली इमोशनली हर्ट हैं। ठीक है, जिस भी थर्ड पार्टी में हैं वहाँ खुश नहीं है, बस आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये उस थर्ड पार्टी में अकेला फील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनाइट हो, आपके साथ मैरिज हो, मगर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इमोशनली बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बट ये ब्लेसिंग आपको किसी बड़े से लेनी पड़ेगी, लाइक हम से या हमारे सैयद से, वट एवर। सो अगर हम देखें तो आपकी विशेज़ आपकी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है मुझे, बट देर इज़ अ मैजिक इन्वॉल्व इन सिचुएशन, रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बट उनका जिनका मैजिक नहीं हो, आपके पर्सन पावरफुल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुझे क्लेम करना मत भूलिएगा इस रीडिंग के नीचे, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीड, हार्ट देना मत भूलिएगा, पोजिशन ज़्यादा ख्याल है, आने वाले वक्त में आप लोगों को पॉजिटिव व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, आने वाले 7 डेज के अंदर ज़रूर रेजोनेट करेगी, 7 घंटे, 7 16 घंटे, 7 दिन क्लेम ज़रूर करें। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को। ठीक है, बस जिनके साथ मैजिक का मामला है या जिनको वेट करते हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो प्लीज़ उनको वेट और नहीं करना चाहिए, यू शुड कॉन्टैक्ट अस, बायो में हमारा नंबर होगा। अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं देखूंगी एक और मैसेज कि प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी में से मेरे जो उनके पार्टनर हैं वो उन्हें किन में